नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी करेगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, रिजल्ट आते आते काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय कहा था कि आपका रिजल्ट 1 महीने में जारी कर दिया जाएगा। और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी यह रिजल्ट आपका 10 जनवरी तक जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो हम आपको इस वीडियो में यह क्लियर करेंगे कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साइड में इस घंटी के आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो हम जल्द से जल्द पूरी जानकारी के साथ आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी सुनवाई 10 जनवरी को हुई थी और अगली डेट इसमें 25 तारीख की मिली है, तो क्या इसके अंदर रिजल्ट अटकेगा या फिर रिजल्ट आएगा। तो हम आपको बता दें, उससे आपका रिजल्ट नहीं अटकेगा। वो केस जिन पोस्ट पर चल रहा है उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, बाकी पोस्टों का आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपके ग्रुप डी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा उसकी बात भी हम करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कल या परसों के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि हरियाणा गवर्नमेंट 31 मार्च तक सभी गवर्नमेंट भर्तियों को पूरा करना चाहती है। सरकार अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी भर्तियों को पूरा करना चाहती है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने सभी अधिकारियों पर एक तरह से दबाव दिया हुआ है कि सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करो, और इसको देखते हुए आपकी जो ग्रुप डी की भर्ती है वो आपके मार्च से पहले या मार्च तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आप यह न्यूज़ भी देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स में आई थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है नव भारत टाइम्स का, और इसी में यह न्यूज़ आई है। इसके अनुसार कह रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वह 20 जनवरी तक जारी किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से तो आपका रिजल्ट 20 तारीख के आसपास आना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यदि आपका रिजल्ट 20 जनवरी तक ना आके 30 जनवरी तक आता है तो भी दोस्तों इसमें आपको फ़ायदा है, क्योंकि जिनके नंबर हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में कम आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है जितना रिजल्ट लेट होता है उतना। लेकिन 30 जनवरी से आगे डेट नहीं जानी चाहिए, 30 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, 20 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, और जैसे कोई नई अपडेट होगी हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।